नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की सीरीज़ में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेवन सिस्टर्स स्टेट और भारतीय राज्य मणिपुर के बारे में। बात कर लेते हैं पहले कुछ की पॉइंट्स की। एरिया की अगर हम बात करें तो मणिपुर का टोटल एरिया है 22,347 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया के अकॉर्डिंग मणिपुर स्टैंड करता है 25th रैंक पर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पॉपुलेशन यहाँ की है अप्रॉक्सीमेटली 29 लाख, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी मणिपुर स्टैंड करता है 25th रैंक पर। लिटरेसी रेट यहाँ का है 79.85%। लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग मणिपुर स्टैंड करता है 16th रैंक पर। कैपिटल है यहाँ का इम्फाल, और इम्फाल यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। व्हीकल कोड यहाँ का है MN। अल्कोहल यहाँ पर अलाउड नहीं है। इकॉनमी यहाँ की बेसिकली बेस्ड है एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड टूरिज्म इंडस्ट्री पे। एयरपोर्ट यहाँ पर है वीर तिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम इम्फाल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं स्टेट की। मणिपुर राज्य भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। मणिपुर में कई संस्कृतियों के लोग रहते हैं, जैसे कुकी, नागा, पांगल और मिजो, जो कई प्रकार की भाषाएँ बोलते हैं। इस राज्य के उत्तरी भाग में नागालैंड और दक्षिणी भाग में मिजोरम स्थित है। मणिपुर के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से की ओर असम और म्यांमार हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के कहा जा सकता है कि मणिपुर धरती का स्वर्ग है। मणिपुर का शाब्दिक अर्थ भी मणि की धरती या रत्नों की भूमि है। मणिपुर में प्रकृति की सुंदरता और भव्यता भरपूर है। हिरणों की दुर्लभ प्रजाति संगाई और सिरोई के पहाड़ों पर उगने वाली सिरोई लीली यहाँ पाई जाती है। सेंट क्लेयर ग्रिमवुड ने मणिपुर का दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों से भी सुंदर जगह के तौर पर वर्णन किया था। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का रत्न कहकर बिल्कुल उपयुक्त तरीके से इस स्थान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की थी। किसी भी टूरिस्ट को सबसे ज्यादा लुभाने वाला मणिपुर का आकर्षण है इसकी आंखों को भाने वाली हरियाली और सुहावना मौसम। कई लोग यह बात जानकर हैरत में पड़ जाते हैं कि पोलो खेल की उत्पत्ति मणिपुर में ही हुई थी। मणिपुर समाज की खासियत है यहाँ की सादगी। यहाँ के लोग सहयोगी और स्नेही हैं। महिलाओं का समाज में बहुत ऊंचा दर्जा है। बुजुर्गों को यहाँ बहुत सम्मान और आदर दिया जाता है। मणिपुर में कई भाषाओं में से लोग जिस भाषा को प्यार करते हैं वह है विष्णुप्रिया मणिपुरी। केवल विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति के लोग ही विष्णुप्रिया मणिपुरी भाषा बोलते हैं। मणिपुरी भाषा के अलावा यहाँ पर दूसरी अलग भाषाएं मैथिली, इंग्लिश और हिंदी भी बोली जाती हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्लेसेस टू विजिट इन मणिपुर। फर्स्ट इज इम्फाल। मणिपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में से मणिपुर की राजधानी इम्फाल सबसे ज़्यादा खास है। इम्फाल मणिपुर का सबसे बड़ा शहर है। इम्फाल बहुत ही आकर्षक स्थान है, जो कि अपनी हरी भरी वादियों और आकर्षित प्राकृतिक वातावरण के साथ इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। चंदेल। मणिपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में चंदेल जिला भी शामिल है। चंदेल जिला भारत और म्यांमार की सीमा के बीच स्थित है। चंदेल जिले को लामका और गेटवे टू म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है। थौबल। मणिपुर के दार्शनिक स्थलों में शामिल थौबल एक ऐसी जगह है जहां पिकनिक का असली मज़ा आता है। थौबल में पर्यटक ट्रैकिंग करने का आनंद उठा सकते हैं, और इसके साथ ही यहाँ की पैदल लंबी यात्रा होती है जिसका अपना अलग ही मज़ा होता है। पर्यटन की दृष्टि से थौबल बहुत ही शानदार जगह है। तामेंगलांग। मणिपुर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक तामेंगलांग शहर है, जो कि संतरों की खेती के लिए बहुत फेमस है। तामेंगलांग में आने वाले पर्यटकों को इस प्रकार की वनस्पति और अनोखे जीवों की प्रजातियों की जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलता है। तामेंगलांग में जानवरों के लिए चिड़ियाघर भी है, जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। सेनापति। मणिपुर स्टेट में घूमने लायक जगहों में से एक प्रमुख जगह है सेनापति। यह क्षेत्र 80% वनों से घिरा हुआ है। सेनापति एक ग्रामीण जगह है, जो कि पर्यटकों को गांव से जुड़ी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए एक शानदार जगह है। एंड्रो। मणिपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एंड्रो एक बहुत ही अलौकिक जगह है। एंड्रो अपनी कला के कारण प्रसिद्ध है। एंड्रो के लोग मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करते हैं, जो कि बहुत ही आकर्षक होते हैं। इन मिट्टी के बर्तनों का एक संग्रहालय है, जो कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही शानदार है। इसके अलावा एंड्रो में ऐसे कई स्थान हैं जहां आप यात्रा करके सुकून पा सकते हैं। खोंगजोम। खोंगजोम मणिपुर की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। भारत की इतिहास में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए यह जगह
बहुत ही ज्यादा शानदार है। होमजोंग में वीर बहादुर शहीद सैनिकों की याद में एक बहुत बड़ा स्मारक बना हुआ है जो कि देखने योग्य है। यहाँ पर सेनानियों को श्रद्धांजलि प्रदान की जाती है। चुराचांदपुर, मणिपुर में घूमने के लिए चुराचांदपुर भी बहुत खास जगह है। वैसे तो चुराचांदपुर आदिवासियों के शहर के रूप में जाना जाता है, परंतु अब इस शहर ने बहुत तेजी से विकास किया है। चुराचांदपुर में कई आकर्षक पर्यटन स्थल हैं। उखरुल, मणिपुर के पर्यटन स्थलों में उखरुल एकमात्र ऐसी जगह है जहां आप सबसे अधिक समय एकांत में बिता सकते हैं। मन को सुकून देने वाली यह जगह चाय के बागानों के लिए जानी जाती है। बिष्णुपुर, बिष्णुपुर को मणिपुर की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी कहते हैं और यहाँ प्रसिद्ध नाचने वाले संगाई हिरण भी पाए जाते हैं। बिष्णुपुर मणिपुर की राजधानी इम्फाल से महज 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ऐसी अकेली जगह है जहाँ यह हिरण पाया जाता है। बिष्णुपुर में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी वाला झील है जिसे हम लोकटक झील के नाम से जानते हैं। संगाई लोकटक झील के दक्षिण इलाके में पाए जाते हैं। झील पर तैरते हुए दलदल, जिसे स्थानीय लोग फुमदी कहते हैं, इस झील को हरा रूप देते हैं। यहाँ पर केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क भी है जहाँ पर संगाई हिरण के साथ साथ दूसरे जानवर जैसे पाढ़ा, पानी में रहने वाली चिड़िया और उदबिलाव भी रहते हैं। इन सब की मौजूदगी में बिष्णुपुर किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। पर्यटन की दृष्टि से बिष्णुपुर यहाँ आने वाले लोगों के लिए आकर्षक जगहों में से एक है। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भारतीय राज्य मणिपुर के बारे में। अगर आप मणिपुर कभी आए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।